कार्टून इज मोस्टली डिवाइडेड इन सो मेनी पार्ट्स लाइक सोशल पॉलिटिकल एंड टुडे सिनेरियो एक्चुअली। तो 15 रुपये मुझे थमाए थे और एक छोटा सा लैंडस्केप था वो उन्होंने लिया था, ये अभी भी याद है। बाला साहब ठाकरे जी है, शंकर करके एक कार्टूनिस्ट थे पुराने, डेविड लो थे वो कार्टून करते, आर के लक्ष्मण। आर्टिकल आर्ट कल्चर ट्रेडिशन। हेलो एंड नमस्ते, दिस इज योर होस्ट कनक वाघ। आवर टुडेस टॉपिक इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, फनी एंड एक्सप्रेसिव। लेट मी इंट्रोड्यूस आवर टुडेस गेस्ट मिस्टर संजय मोरे सर, हु इज एन कार्टूनिस्ट एंड फ्रॉम 23 इयर्स ही इज एन आर्ट टीचर इन सेंट जॉन हाई स्कूल। वेलकम सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। So, what does caricature mean to you? Actually, caricature means when you draw a person, a famous person, in a simple way and a destructive way. Not like a portrait, but you can destroy the lines and make it funny, but say at the same time, it the particular person look like that person only. Okay. Is there a difference between cartoon and caricature? Definitely. Cartoon is mostly divided in so many parts, like social, political, and today's scenario actually. But caricature means you have to draw a person. Life. Yes. So, who is your inspiration? Who is your inspiration? That time jab aapne is field mein enter kiya tha. एक्चुअली आर के लक्ष्मण ही मेरे इंस्पिरेशन है। उन्होंने मुझे मतलब झंझोड़ के रख दिया था जब मैं आर्ट फील्ड में आया, आर्ट की काम करने लगा था। तो आर के लक्ष्मण के पॉकेट कार्टून आते थे टाइम्स में, तो मैं वो देखता था और मन ही मन सोचता था ऐसा कभी कुछ करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता था कि ये बहुत ऊंची चीज है, हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस किया थोड़ी सी, धीरे धीरे बहुत सारी प्रैक्टिस होती है और अचानक पता ही नहीं चला कब मैं इस फील्ड में आ गया। तो आप बीएफए कैसे, आपने बीएफए किया मतलब उस टाइम पे जिस टाइम आपने ग्रेजुएशन बीएफए में किया, तो उस टाइम पे आपको क्या कठिनाई आई, मतलब आपने ये आर्ट फील्ड कैसे चूज किया? जैसे कि आज भी हम देखते हैं बैचलर्स इन फाइन आर्ट, ये फील्ड में, ये फील्ड के बारे में बहुत कम लोगों को पता रहता है, तो आपको उस टाइम पे कैसे पता चला इसके बारे में? हाँ, हमारे पड़ोस में कुछ फैमिली रहती थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप फाइन आर्ट्स क्यों नहीं करते। जब मैं ड्रॉ करता था समर वेकेशन में, जब भी मिला मेरे स्कूली के जो नोटबुक रहते हैं, पिछले पेज पे कुछ ना कुछ ड्रॉ किया रहता था, तो वो देखते कि ये सब यही करता है। तो फिर मुझे सजेशन दिया गया कि आप फाइन आर्ट्स की तरफ जाओ। उसके पहले मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कोई कॉलेज होता है। और दूसरी एक मजे की बात यहाँ आने का एक और किस्सा बताना चाहूंगा कि एक्चुअली मेरा स्कूलिंग जो है, मतलब एकेडमिक एजुकेशन जो है ना, बहुत वीक था। मतलब एजुकेशन में सेवेंथ तक अच्छा रहा मेरा रिजल्ट, क्योंकि सेवेंथ के बाद दोस्तों के साथ क्रिकेट वगैरह खेलने में पढ़ाई से थोड़ा दूर हो गया। तो फिर कोई पर्याय नहीं था मेरे पास कि क्या करूँ, और मुझे लगता था लोगों ने जब बताया कि ये फील्ड है, तो मुझे लगा कि मेरी सही मंजिल यहीं पर है और मुझे यही जाना चाहिए। तो फिर आपके घर से क्या सपोर्ट आपको मिला? माँ का थोड़ा सा विरोध था, कि माँ का कहना था वो उस समय की सोच उनकी कि क्या टपरीदार की पेंटिंग या बोर्ड बनाएगा, क्या किसी के नाम लिखेगा क्या, तो वो यहाँ तक सीमित थे, उनको नहीं पता था। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, लेकिन वो अच्छा लगता था इसलिए ये कर रहा है। क्योंकि आज भी बहुत से लोगों के पेरेंट्स मानते नहीं है आर्ट फील्ड के लिए, तो आपके पेरेंट्स उस समय में, मेरे डैडी थे जो मेरे सपोर्ट में थे, इसको जो लगता है वो करेगा और वो अच्छा करेगा, तो उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था मुझ पे, तो वो सपोर्ट थे। लेकिन मम्मी का इतना सपोर्ट नहीं था। लेकिन फिर मम्मी धीरे धीरे जब अच्छा करने लगा, कॉलेज है ये सब जान गई, तो वो भी फिर पॉजिटिव हो गई। तो आपने 3 इयर्स या 4 इयर्स की डिग्री बीएफए में? एक्चुअली मेरा बिगिनिंग हुआ है अकोला से, अकोला डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ से, तो वहाँ बाबा साहेब ढोने करके एक चित्रकला महाविद्यालय है, छोटा सा कॉलेज था, तो वहाँ पर फाउंडेशन और ATD ये दो कोर्स थे, मतलब बीएफए वगैरह नहीं था तब, तो ये दो कोर्स मैंने फाउंडेशन पहले किया 1 साल का, और तब ATD भी 1 साल का हुआ करता था, तो ATD की आर्ट टीचर डिप्लोमा। उसके बाद फिर जब ये फील्ड के बारे में पता चला, तो और मैंने इंक्वायरी किया,
तो हमारे दोस्त जेजे वगैरह जाना चाहते थे मुंबई फर्दर एजुकेशन के लिए, तो हमने भी वही सोचा। फिर पता चला कि नागपुर में है, और लकीली मेरे फादर है ट्रांसफर, जो पुलिस डिपार्टमेंट में थे यहाँ पर ट्रैफिक ब्रांच में, तो उनकी ट्रांसफर यहाँ हुई नागपुर में। तो फिर मजबूरी बोलो या एक आगे का भविष्य बोलो, हम सब लोग यहाँ पर आ गए फैमिली के साथ। फिर मैं सोचा कि मुंबई जाने से अच्छा यहाँ पर भी कॉलेज है, तो फिर यहाँ पर करना मैंने उचित समझा और यहाँ पर एडमिशन। तो आपको आपका फर्स्ट कमीशन वर्क याद है? कमीशन वर्क बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जब मैं स्कूल में था तभी कुछ लैंडस्केप कुछ बनाता था। हाँ। तो मुझे भी अभी भी याद है, रमेश खंडेराव करके मेरे एक भाई है, मेरे बुआ के लड़के, तो उन्होंने मेरा एक पेंटिंग मुझे अच्छा लगा, तो शायद उनको लेना चाहिए था कि मुझे सिर्फ इंस्पायर करने के लिए शायद, तो 15 रुपए मुझे थमाए थे और एक छोटा सा लैंडस्केप था वो उन्होंने लिया था, मुझे अभी भी याद है। उसके बाद में कार्टून की बात करें तो जब मैं नागपुर आया और बीएफए वगैरह कर रहा था, शायद 90 और 91 की बात हो, तो उस समय लोकमत बहुत कम पैसे देते थे कार्टून के लिए, तो वहां पर मैंने नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने 15 रुपए करके कार्टून दिए थे, और उस समय 15 रुपए भी बड़ी चीज थी। तो आपने बीएफए में तो पेंटिंग किया होगा है ना? राइट। हाँ जी। तो पेंटिंग से आपने कैरिकेचर तक कैसे, कैरिकेचर कार्टूनिंग आपने ये एक्सप्लोर कैसे किया? ये भी थोड़ा मजेदार किस्सा ही है। कार्टूनिंग की तरफ हम बोलेंगे कि मैं थर्ड ईयर में पढ़ रहा था पेंटिंग के, तब यूथ फेस्टिवल होता है और अपना जो ईयरली कुछ कॉम्पिटिशन होते हैं यूथ फेस्टिवल, तो कॉम्पिटिशन में अनाउंस किया गया कि कार्टून की कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो पहले मतलब इतना करता था लेकिन पता नहीं था हम इस फील्ड में जाएंगे, वो टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूँ। तो वहां पर हम ड्रामा भी कर रहे थे, तो ड्रामा का मेकअप वगैरह लगा हुआ था और अनाउंस हुआ कि ये करते, तो ड्रामा को एक समय था, पहला प्ले चल रहा था, उसके बाद हमारा था, तो चलो बोला उसने समय में भी कर सकता हूँ, तो मैं वही मेकअप में आया। और टॉपिक था तब शायद ये डिजीज चल रहा था, जो चूस प्लेग डिजीज चल रहा था, तो उसके ऊपर सब्जेक्ट दिया था, पाटिल सर थे वहाँ पर, उन्होंने कंडक्ट करवाया था, तो मैं गया उस पर किया और मैं फर्स्ट आया वहाँ पर। तो फिर वहाँ से शुरुआत हुई कि मैं यूथ फेस्टिवल में फिर जोनल करूँ, फिर नेशनल वगैरह तक गया। सर, सो वी वांट टू सी योर बेस्ट आर्ट वर्क्स अब तक के कैरिकेचर में या कार्टून्स, आपके जो भी वर्क है वो हमें देखना है। चलिए, कुछ है मेरे पास वर्क जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे ये वर्क है, कैरिकेचर है बप्पी लहरी जी का, तो ये मद्रास में डिस्प्ले हुआ था, वहां पर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हुई थी, तो इस वर्क को फर्स्ट प्राइज मिला है, तो ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हम आपको अपने आप को साबित करते हैं। बहुत बढ़िया जी। और ये दूसरा एक इसको मतलब अवार्ड तो नहीं है, डिस्प्ले किया है भेजा नहीं, लेकिन ये हमारे नागपुर के फेमस नितिन जी गडकरी, पूल वाले साहब नितिन गडकरी जी है, जिनका कैरिकेचर मैंने करने की कोशिश किया है और एकदम एक्यूरेट कैरिकेचर से, लाइक कि बहुत फनी वे में किसी पर्सनालिटी को शो करना, ये भी एक बहुत बड़ी मतलब किसी इसमें कला है। नहीं बरोबर, मतलब जैसे हम पोर्ट्रेट करते हैं हमारे फाइन आर्ट्स में, पोर्ट्रेट में क्या है जैसे दिखता है वैसे ही वही प्रोपोर्शन वही नाक वही पे ही करना चाहिए, लेकिन इसमें पोर्ट्रेट के आगे की बात ये है, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप चेहरे को एलेबरेट करते हैं बहुत बार, मतलब है ना जो चीज बड़ी लगती है, जैसे ये सर का थोड़ा सा है तो उसको बड़ा कर देना, उनकी स्माइल को बड़ा कर देना। कुछ आर्ट वर्क्स में डिजिटल वर्क भी हमने देखे, तो कौन से मतलब डिजिटल वर्क है इसमें? हाँ, इसमें आपको ये कलरिंग मतलब जो ये है थोड़ा स्मूथ और फिनिश लग रहा है, ये डिजिटल वर्क है, जैसे ये भी डिजिटल वर्क है और एक ये भी डिजिटल वर्क। तो इनके लिए आप स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज किया होगा आपने, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर? मैं मतलब अभी तो आईपैड स्क्रीन वाले एप्पल वगैरह आए हैं, लेकिन मैं पहले से करता हूँ फोटोशॉप में, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा इजी है और नया चीज भी सीखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने मतलब पेंटर पहले पेंटर से मैंने ड्राइंग नहीं किया, ड्राइंग मैं बेसिकली हाथ से करता हूँ, क्योंकि वो बड़े सेंसिटिव है अभी के डिवाइस, उसमें मैं वहाँ मतलब थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इसीलिए मैं सेंसिटिव होने के कारण हाथ मेरा उसमें ये नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो मैं ड्राइंग हाथ से करता हूँ पेन से या ब्रश से, फिर उसको स्कैन करके फोटोशॉप में कलरिंग करता हूँ। तो आपको
डिजिटल पेंटिंग ज्यादा पसंद है या ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, मतलब जैसे पेंट करके हाथ से, वो पसंद है ज्यादा? हाँ, मतलब जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है या तो जो रहती है, वैसे दोनों भी चलते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट, मुझे खास करके पसंद है कि हाथ से करना, तो हाथ में हम हमारे मन मुताबिक काम कर सकते हैं, लेकिन लोगों को ज्यादा पसंद डिजिटल आता है, पॉइंट है। तो एज एन आर्टिस्ट, मैं भी एक आर्टिस्ट डिजाइनर हूँ, तो मुझे एक पूछना था कि आप सिर्फ कमीशन वर्क में ही आपको टाइम मिलता है कि आर्ट फॉर्म्स कुछ बनाए, या फिर आप खुद से कुछ अलग भी बनाते हैं? क्योंकि मुझे तो टाइम नहीं मिलता, बट आपको मिलता है क्या कि अलग से मैं कुछ अपना क्रिएट करूं, कि सिर्फ जब कमीशन वर्क आता है तभी मैं कुछ ना कुछ क्रिएट करूं? नहीं, ऐसे नहीं, जब मैं कुछ, वैसे तो बहुत कम समय मिलता है, मतलब रेगुलर कमीशन वर्क ही चलता है, लेकिन जब भी समय मिलता है मैं मेरे लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। जैसे मतलब एक कार्टून छोड़ के मैं लैंडस्केपिंग करता हूँ, मैं पोर्ट्रेट करता हूँ और क्रिएटिव पेंटिंग भी करता हूँ, तो ये भी चलते रहता है। और जैसे सडन कोई पॉलिटिकल हलचल हुई, जो मुझे लगा कि नहीं, इसको हमको एक्सप्रेस करना चाहिए हमारे इससे, तो वो बिल्कुल मैं समय दे के मतलब वो करता हूँ और सोशल मीडिया पर उसको टेस्ट करता हूँ। उसके कोई पैसे नहीं होते, लेकिन वो हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए कि हम जिंदा है। Who inspires you the most? मतलब आपने जैसे बताया कि आपके आर के लक्ष्मण, उनका कुछ आता था तो वो आपके इंस्पिरेशन थे, पर आपने उसके आगे हमारे ऑडियंस को बताया नहीं। चलो मैं थोड़ा सा शुरुआत करता हूँ कि मैं जब फाइन आर्ट्स में आया तो मेरे पहले गुरु रहे हैं हमारे पाटिल सर, जो अकोला में है, आदर्श स्कूल थी, वहां पर मुझे पढ़ाते थे और हम जो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट बेसिक एग्जाम देते थे तो उनके वर्क देखते थे, ऐसा अब तक छपे हुए हैं। तो अभी भी मतलब सर को मैं याद करके वही बात बताना चाहूंगी, क्योंकि वो मेरे पहले इंस्पिरेशन रहे हैं, तो उन्होंने मैं आर्ट का एक थोड़ा सा स्पार्क वहां से आया है मुझे, और फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया। कार्टून फिल्म में अगर मैं चाहूंगा तो मैंने पहले बताया कि आर के लक्ष्मण सर है, बाला साहब ठाकरे जी है, और शंकर करके कार्टूनिस्ट थे पुराने, जो नेहरू के जमाने में थे, तो उनसे उनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ। लेकिन हमारे इंडिया में जो ये आर्ट आई है, तो उस समय में हिटलर के खिलाफ डेविड लो थे, वो कार्टून करते थे और उनके स्ट्रोक्स बहुत ही भारी और जबरदस्त थे, मतलब एक बोल्ड लाइन ये थी और बहुत ही क्लीन और बिंदास लाइन थी, तो शायद क्या 100% मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइन ही फिर आर के लक्ष्मण ने और बाड़े साहब ठाकरे ने उठाए हैं, वहां से ही उनसे इंस्पायर हुए हैं और उन्होंने एक अपना अलग मकाम बनाया है। आज अगर हम देखने जाए तो हमारी परंपरा में वो अग्रणी स्थान पे आते हैं। मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है कि जैसे कि कैरिकेचर और कार्टूनिस्ट रहते हैं, तो इनके आर्टवर्क में अपनी एक अलग स्टाइल झलकती है, तो आपकी कौन सी अलग स्टाइल है आपके आर्ट फॉर्म में, आर्टवर्क में, कि क्या है, मतलब आप? हाँ, शुरुआत में क्या होता है, हम जब शुरू करते हैं ना तो हम किसी को कॉपिंग करते हैं, या तो किसी से इंस्पायर होकर उनके जैसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये सभी का किस्सा है, मैंने अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि सभी लोग कहीं ना कहीं से शुरू करते हैं, अपने दोस्त से या तो किसी से, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी एक स्टाइल बनती जाती है। मैं स्पेसिफिक नहीं बता पाऊंगा कि ये मेरी स्टाइल है कि ये मेरी स्टाइल है, लेकिन इतना तो 100% है मेरे कार्टून देख के और जो जानने वाले हैं वो तो नाम भी नहीं लिखा होगा तो पहचान जाएंगे कि मेरा। तो व्हाट वन और टू एडवाइस यू विल गिव टू यंग जनरेशन, टुडेज जनरेशन आर्टिस्ट, बेसिकली उनको क्या देना चाहेंगे आप? एक्चुअली जनरेशन के लिए, नए जनरेशन के लिए बोले तो बड़ी बात है कि अभी नए जनरेशन में इतना सीख के आ रही है और इतना सारा मीडिया, इतना सारा दुनिया उनके सामने खुल गया है, तो उनके सामने बहुत सारे मतलब आइडियाज है आगे बढ़ने के लिए। फिर भी मैं बोलूंगा कि कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और कंटिन्यूस प्रैक्टिस, ये तीन मूल मंत्र है जो आपको हमेशा आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले जो भी नए डिवाइसेस है, नए अभी टेक्नोलॉजी ने कितने सारे सब चीजें की है, तो खुद को अपग्रेड उसके हिसाब से अगर किया तो और आगे जाएंगे, लेकिन हार्डवर्क की सेवा तो परे है, मतलब हार्डवर्क इज द मोस्ट। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि आप कैरिकेचर और कार्टून करते वक्त किन बातों का ध्यान रखते हो, मतलब मेथड और कैसी लाइंस आनी चाहिए, कैसा हमारा कार्टून बनना चाहिए, ये चीजों की तरफ आप ज्यादा ध्यान रखते हो?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। एक्चुअली जब भी हम कार्टून कैरिकेचर करते हैं स्पेशली कार्टून के वक्त तुम्हारे पहले ही सब्जेक्ट वगैरह ये चाहिए रहता है, तो उसको कम लाइन में और कम इसमें करते हैं। जब कैरिकेचर करते हैं तो तुमको ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, कि कीन ऑब्जर्वेशन होना बहुत जरूरी है कि सामने जिसका भी हम कैरिकेचर कर रहे हैं पहले उनके चेहरे को आप गौर से देखो और उसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिसको हम और ज्यादा बड़ी कर सकते हैं, उसको छोटी चीजों को और छोटी कर सकते हैं, या तो कम लाइन में कैसे उनका एक्सप्रेशन या तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे इसमें ला सकते हैं। इसके लिए हम पेंसिल की या तो ब्रश के थिक थिन लाइंस को यूज करते हैं, है ना। जैसे मैंने गडकरी साहब का तो इनका अगर वक्ती अली जी को किया कि आपको पता कि ये इतना नहीं है, है ना, इसके प्रोपोर्शन में, फिर भी मैंने इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, है ना। तो ये बढ़ा मतलब जो चीज को बढ़ाना और उतना ही बढ़ाना कि वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी ना लगे। जैसे कि मैंने बताया है कि एकादी का चेहरा थोड़ा सा हम बड़ा प्रोपोर्शनेट में दिखाएंगे, है ना। हाँ। जैसे ये चेहरा मैंने बड़ा दिखा दिया है ना, इसके लिए एक्चुअली है उनका बड़ा, लेकिन मैंने थोड़ा सा ज्यादा उसको बड़ा कर दिया है, है ना। नाक छोटा है तो और छोटा कर दिया है, लेकिन साथ साथ में मैंने ये भी ध्यान रखा है कि इसका प्रोपोर्शन या तो इसका फेस का स्ट्रक्चर कैरेक्टर ऑन पॉइंट होना चाहिए, है ना। तो ऐसा मैंने इसको प्रयास किया है। कभी किसी का चेहरा मोटा रहता है, अमिताभ बच्चन की नाक बड़ी है तो नाक बड़ी दिखा दिया, लिप्स को बड़ा दिखा दिया। जैसे आइंस्टाइन दिखाना है तो फिर उनकी मूंछें और बाल को हमने अगर अच्छे से बड़ा किया वो कैरेक्टर का वो ज्यादा पहचान रहती है, इसलिए तो ये ध्यान रखेंगे तो ज्यादा नजदीक आएगा। और लाइन्स भी जो मैंने बोला है कि लाइटर साइड जहाँ है शेडियन लाइट में क्या करते हैं, हम लाइट कलर मारते हैं ये दे देते हैं, लेकिन कैरिकेचर में वन स्ट्रोक में क्या होता है कि लाइटर साइड में हम थिन लाइन यूज करते हैं और जहाँ शेडो का पोर्शन होता है डार्क बल्की पोर्शन होता है वहाँ बोल्ड लाइन ताकि वो फील आ जाता है। तो अभी हम सर की कुछ डेमो देखेंगे जो सर कैरिकेचर और कार्टून के द्वारा हमें देना चाहेंगे। Thank you so much, sir, for giving your valuable time to us. So stay updated for more such topic. And फिर से हम मिलेंगे next topic के साथ, कोई interesting topic के साथ. और तब तक के लिए stay tuned for more such interesting topics with Article Magazine channel. Like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much. This is your host, Kanak Wag. Article, art, culture, tradition.